हेलो एवरीवन वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक लेखक और आप सबका एजुकेटर लेट्स क्रैक यूपीएससी के साथ साथ एक बड़ी पहल के तहत लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स अन के द्वारा प्रारंभ किया गया है तो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में हम लोग यूपीपीसी पर फोकस करते हुए यह पहल कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं यानी लेट्स क्रैक यूपी यूपी एग्जाम में अभी यूपी पर हम लोग फोकस करेंगे उसके 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 पीछे पीछे रीजन रीजन है और उसके पीछे रीजन यह है कि 2013 के बाद से जब से यह सेम यूपी का जो पैटर्न है यही यूपीएससी का पैटर्न कॉपी किया गया है केवल उसमें यूपी स्पेशल और एक दो यूनिट्स में शब्दों का अंतर किया गया है यानी मुख्य परीक्षा के पूरे सिलेबस में मुख्य परीक्षा यूपीपीसीएस का पूरा का पूरा सिलेबस यूपीएससी के अकॉर्डिंग है याद रखेगा केवल हर प्रश्न पत्र में एक दो जगह पे शब्दों का चेंज है या यूपीपीसीएस स्पेशल लगा हुआ है बस इतना ही अंतर है इसके अलावा पूरा सेम है और जिस प्रकार से आप अगर जो बच्चे सीरियस होंगे और जो केवल यूपी पर फोकस होते हैं उन्हें थोड़ा सा कम पता होता है यूपीएससी का ट्रेंड हिंदी माध्यम के लिए या किसी के लिए भी क्या चलता है हालांकि हम लोग बाइलिंगुअल में कोशिश कर रहे हैं कि बाइलिंगुअल में सारी चीजें प्ले करके चलें लेकिन फिर भी अब अगर अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कंपीट करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है अदरवाइज 2013 से 14, 15, 16, 17, 18, 19 आप देखेंगे तो हिंदी माध्यम से यूपीएससी में सिलेक्शन का रेट कम हो गया क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कहीं कहीं कंटेंट और प्रेजेंटेशन विशेषकर आंसर राइटिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है और उसको कंटेप्रेरी इश्यूज से कनेक्ट किया जाता है जिसके कारण से वहां पर सक्सेस का रेटिंग सक्सेस का रेशियो बहुत ज्यादा है इनफैक्ट आप अगर निन्यानबे अनुपात एक रख सके तो ऐसा कोई अनुपात है तो हिंदी माध्यम वहां पर संघर्ष कर रहा है यही प्रोसेसिंग यही सेम पैटर्न आ गया कहीं ऐसा ना हो यहां भी संघर्ष करे तो स्वाभाविक है आप लोगों को अब एक नए पैटर्न से तैयारी कराने के लिए ब्लड स्क्रैक यूपी एग्जाम्स की यह श्रृंखला यहां से प्रारंभ की गई है और दूसरी चीज है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं अच्छी आंसर राइटिंग ना होने के कारण याद रखिएगा कि समस्याओं का सामना आपको भी करना पड़ता है यानी कि आ, उसमें भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्योंकि नई पीढ़ी अब जो भी आ रही है वो इंग्लिश मीडियम की है तो फेल का रेशियो वहां भी बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम में जो भी कर रहे हैं सब पास ही हो जा रहे हैं यहां पर लड़ाई बिल्कुल टॉप और याद रखेगा सामान्य रूप से ग्रेजुएट हुए बच्चों या पोस्ट ग्रेजुएट हुए बच्चों की है यानी आई आई टी एम इन सब के बच्चे हर जगह है वो चाहे आई में हो चाहे पीसीएस में हो आपकी फाइट उनके साथ है तो अलग प्रकार से आपको चीजों पर विचार करना होगा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस मेंस 2019 मैंने प्रारंभ किया है आपका एग्जाम की डेट है 20 अप्रैल 2020 याद रखिएगा 20 अप्रैल 2020 तो सुबह मैं ग्यारह बजे यानी सुबह ग्यारह बजे आता हूं किस लिए एलेवन एम एलेवेन एम एथिक्स पर काम हो रहा है क्रैश कोर्स वो भी है और यहां पर क्रैश कोर्स सेम 20 अप्रैल 2020 का मेंस टारगेट करते हुए 2019 मेंस के लिए क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो यहाँ पर यानी हम लोग सीखने और सिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके और आपके उस परिणाम में हम लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो सके तो चलिए चलते हैं अपने इस सेगमेंट में और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास याद रखिएगा क्लियर है तो सभी बच्चे आ गए ठीक है चलो अभी मैं कमेंट नहीं ले रहा हूं आज कुछ सिखाना है तो एक बार मैं जो है एक बार देख लेता हूं कौन कौन अभी आया है तो अश्वनी है रेशमा स्वीटी सतीश राघवेंद्र रोमा राहुल ठीक है और कोई कंप्यूटर मोबाइल साफ और अनुराग बी आप भी हैं वेरी एक्साइटेड चलो बहुत अच्छी बात है और बेटी अपसर नाम से किसी का है रजनी सिंह ठीक है तो ये सारे बच्चे रेखा शिवा सारे बच्चे आ रहे ठीक है चलो बेटा अभी लास्ट में सबका चेक करूँगा याद रखेगा लास्ट में अभी सबसे पहले एक बार पूरा का पूरा सेनारियो खींच लेते हैं क्रैश कोर्स यूपी में मेंस 2019 अप्रैल 20 से क्लास स्टार्ट हो रही है मतलब आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे जीएस पेपर वन यूनिट वन भारतीय संस्कृति का इतिहास याद रखेगा यानी आज हम लोग जीएस पेपर वन का पहला पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें टारगेट होगा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का में जो भी यूपीएससी के पैटर्न पर यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं याद रखिएगा पहले उन पर चर्चा करना और इसके बाद दो मॉडल आंसर की प्रैक्टिस करा देना एक अच्छे आंसर राइटिंग के क्या गुण होते हैं उससे आप लोगों को रूबरू कराना ये शाम वाला बैच टोटली फोकस रहेगा आंसर राइटिंग पर यह चीज ध्यान में रखिएगा पूरा का पूरा आंसर राइटिंग पर तो भारतीय संस्कृति का इतिहास पार्ट वन ये आपका जीएस पेपर वन सुबह जीएस पेपर फोर और अभी जीएस पेपर वन स्पीड से खत्म करूंगा याद रखेगा जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनके एक दो प्रश्न करा करके आपको यह सिखा दिया जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं ठीक है और इस प्रोसेसिंग में सबसे पहले एक बार आप मेरे बारे में जान लें जिससे आपका कहीं ना कहीं एक जो अभिवृत्ति होती है वो पॉजिटिवली हमारे साथ यानी हमारे प्लेट क्रैक यूपी एग्जाम चैनल के साथ आपका एक संबंध बने तो मेरे बारे में है मैं एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर हूं और आई का इंटरव्यू मैंने दिया है अंततः मैं असफल रहा उसके बाद से ही मैं अध्ययन अध्यापन का काम कर रहा हूं दिल्ली में अपनी मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान चलाता हूं और अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक लेखक हूं और इसके अलावा मैं दिल्ली गवर्नमेंट में आंतरप्रन्यरशिप एक्सपर्ट के रूप में मैं काम कर रखता हूँ याद रखेगा और ट्वेंटी ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है आपके सिविल सर्विसेज में 10 साल मैंने तैयारी की है और उसके पश्चात मैं पिछले एक दशक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और यूपीएससी का अपना एक कोचिंग संस्थान मुखर्जी नगर में चलाता हूं और मैं एजुकेटर हूं अनएकेडमी के ही एक और चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी मीडियम यानी कि यूपीएससी यानी आई की, की तैयारी कराने को समर्पित जो हमारा चैनल है लेट्स क्रैक यूपीएससी तो उसका मैं एजुकेटर हूं वहां पर मैं क्या पढ़ाता हूं द हिंदू सुबह आठ बजे पढ़ाता हूं आपको मेरे साथ अटैच होना है आप जुड़ सकते हैं आप पीसीएस की तैयारी भले करते हैं आपको कहीं ना कहीं द हिंदू कनेक्ट होना पड़ेगा तो आप यहां पर भी कर सकते हैं ठीक है, है? द हिंदू पढ़ाता हूं और इसके अलावा वहां बहुत से विषय पढ़ाता हूं लेकिन मैंने हिंदू ही आपके लिए रखा चूंकि हिंदू अगर आपको समझ में आ जाए आप इंटरलिंकिंग करना सीख जाए तो आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी खूबी आप अपने आप सीख लेंगे तो आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी होती है जो है जो इंटरलिंकिंग क्वालिटी आपके अंदर आ जाए ठीक है तो चलिए डेली और कुछ बच्चों ने भी प्लस प्लेटफॉर्म तो मतलब पर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे क्या कर लेंगे का तो ये देखिए आपके लिए बैच अनाउंस है यानी एक क्रैश कोर्स यहां पर चलेगा मेरा क्रैश कोर्स क्या है जीएस Prelims, यानी कि 2020 का जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है उसका क्रैश कोर्स जीएस यूपी बाद जीएस फॉर यूपी पीसीएस मेंस 2020 बैच इसका मतलब क्या है क्रैश कोर्स का नाम है 2020 यूपी पीसीएस जिसमें एक हफ्ते यानी छह दिन में क्लासेस लूंगा जिसमें तीन दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चलेगी आपकी प्रीलिम्स पर फोकस थर्सडे फ्राइडे सैटरडे चलेगा आपका मेंस पर फोकस धीरे धीरे हम लोग अपनी तैयारी कर ले जाएंगे और आपको अच्छे से पता है मार्च अप्रैल मई जून दो तीन महीना है तो स्पीड से कुछ विशेष चैप्टर्स की हमें तैयारी करनी होगी प्रिलिम्स की और तीन दिन आप मुख्य परीक्षा पढ़ते रहेंगे तो आपका 2020 का जो प्री और मेंस उस पर आप एक बेहतर पकड़ मेरे साथ कर पाएंगे क्योंकि स्ट्रेटजी पर मैं अच्छा काम करता हूं और अब आपको अगर हमारे साथ रजिस्टर्ड होना तो हाउ टू रजिस्टर फॉर अन एकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म तो आप अन एकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और उसके पश्चात याद रखिए आपके पास पूरा ऐसे फॉर्मेट आ जाएगा हमारा एन और यूपी पी एस सी देखिए आप कैटेगरी आएगी यूपी पी एस सी उसमें आप चले जाइए सब्सक्रिप्शन आपको लेना है चौबीस महीने बारह महीने तो आप देख सकते हैं इस समय चौबीस महीने की फीस केवल सात हजार पाँच सौ साठ रुपए यानी बहुत कम फीस है इस टाइम ऑफर चल रहे हैं तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और किसी से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा तो आप जुड़ सकते हैं साल के लिए आप आप फीस है तो आप जुड़ सकते हैं एसके लाइव कोड आपको इस्तेमाल करना है यानी मेरे कोड से आपको आना है एसके लाइव कोड और ये मान के चलिएगा कि यूपी पीसीएस पर मैं लंबा टाइम तक रहूंगा क्योंकि इस चैनल को ग्रो करना है तो धीरे 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 तो अब हम और आप मिल करके यानी किसी बच्चे के मन में ना आए कि मैं कुछ रोज के लिए आया हूं यूपी पी अब एक लंबा टाइम इस पर मैं बिताने वाला हूं जिसमें टोटल हम पूरा फोकस ही यूपीपीसीएस के रिगार्डिंग चलेंगे जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि मुझे यूपीपीसीएस ही करना है उनका आई पर फोकस नहीं होता है कई रीजन उसके होते हैं तो ये यूपीपीसीएस को समर्पित चैनल है ये आप मान के चलिएगा आइए चलते हैं प्रैक्टिस आपके सामने स्क्रीन पे आप लोग स्क्रीन वगैरह ले सकते हैं तो आपके सामने है जीएस पेपर वन यूनिट वन और इसमें क्या है भारतीय संस्कृति का इतिहास पार्ट वन आपके सामने देख सकते हैं तो सबसे पहले आपका सिलेबस यानी यूपी पीसीएस का सिलेबस आपके सामने यूपी पीसीएस का जो सिलेबस चेंज हुआ है और जो मेंस में रिटर्न एग्जामिनेशन हो रहा है उसका सिलेबस आज जो हम करने जा रहे हैं उस सिलेबस की ये यूनिट है यूनिट का मतलब होता है कि जैसे नंबर एक नंबर दो इस टाइप से अपनी समझ के लिए हम लोग बना लेते हैं तो यूनिट क्या है आपके सामने है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू यानी पहली यूनिट में आपके ये लिखा हुआ यानी कि यहां पर यूपीपीसी की तरफ से जो मतलब सिलेबस जारी हुआ है तो उसमें क्या यानी ये बताया गया है कि यहां से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे यानी हम यहां से यूपी पीसीएस, यानी जो कमीशन हमारा वो यहां से क्वेश्चन पूछेगा और यहां से क्वेश्चन तो इसका मतलब कि हमें इस यूनिट से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है क्या करनी है उनकी प्रैक्टिस करनी है उनकी प्रैक्टिस करनी, करनी है याद रखिएगा उनकी प्रैक्टिस करनी है तो अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंडियन कल्चर विल कवर द एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स ये आप देख सकते हैं यानी इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको यह जानना होता है सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि एक्चुअल में यहां से किस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी पूछता है तो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप का मतलब होता है कला के कितने प्रकार होते हैं टाइप्स ऑफ आर्ट कितने हैं तो जैसे वास्तुकला है स्थापत्य कला है मूर्ति कला है चित्र कला है संगीत कला है ठीक है नृत्य कला है तो ये ये सारे फिर इसके बाद साहित्य है देखिए साफ साफ लिखा है साहित्य यानी साहित्य है तो वैदिक साहित्य है संगम साहित्य है बौद्ध साहित्य है समझ रहे ये साहित्य है मुगलों का भी साहित्य है किसी का भी तो यानी साहित्य तो स्वाभाविक है सबसे पहले सबसे पहले हमें बाई बाइफर्गेट करना पड़ता है सिलेबस को तो अभी चूंकि मैं दो उन्नीस का जो मेन से उस पर फोकस हूं तो इस वजह से इसका बहुत ज्यादा बाइफर्गेशन अभी नहीं करूंगा याद रखेगा पर जब आप बेसिक क्लासेस में, में मेरे साथ अभी लंबे टाइम तक चाहे यूट्यूब हो याद रखेगा और चाहे हमारा अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म हो दोनों जगह पर आपको यह सारा मैं विस्तृत रूप से कराऊंगा लेकिन धीरे धीरे ठीक है तो यह हो गया यानी आपको यहां से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ठीक है यूपीपीसीएस, देखिए यूपीपीसीएस दो हजार अठारह यहां मैंने इस आपके समक्ष लगाया है कि जो मेन्स का एग्जाम हुआ है याद रखिएगा, जो मेन्स का एग्जाम हुआ है मेन्स पेपर दो यानी कि जो यहां पर एग्जाम हुआ है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए वो चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है तो आइए देखें जैसे देखिए कुल 20 प्रश्न आते हैं अब उसमें से आर्ट एंड कल्चर के कितने आते हैं खंड आज से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं, है जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 में क्यों बता रहा हूं क्योंकि आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि आपको अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए क्या पता होना चाहिए लिमिटेशन लिमिटेशन का मतलब होता है एक शब्द यानी अगर आपको पता है कि आपको तैयारी एक शब्दों की करनी है अगर आपको यह पता है कि तैयारी एक शब्दों की करनी है तो कहीं कही ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है वह बहुत सार गर्भित और संक्षिप्त हो जाती है क्या हो जाती है सार गर्भित और संक्षिप्त क्यों इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि यार हम कितना भी पढ़ लें लिखना तो 125 शब्द ही है तो ऐसे में आप कम यानी जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जो ड्राइवर पॉइंट्स होते हैं यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आप उन्हीं को हिट करते क्या करते हैं आप आप उन्हीं को हिट करते हैं तो स्वाभाविक है यानी ये है लिमिट इसीलिए मैंने फिर इसके बाद अगला क्या है अगला क्या है आप विचार कर सकते हैं अगला क्या है तो अगला है आपका खंड बी याद रखिएगा खंड या खंड बी से दस प्रश्न पूछे जाएंगे जो दीर्घ उत्तरीय है जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 निर्धारित है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं याद रखेगा तो यह सब ठीक है तो यानी 200 इसके बाद क्या है यानी अगली सीमा 200 है यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो यानी 125 और 200 ये दोनों चीजें क्या आपका डिसाइड कर देंगी ये दोनों चीजें आपका डिसाइड करेंगी कि आपका टारगेट क्या है और आपको कहां तक पहुंचना है ये पॉइंट अपने दिमाग पर रखिएगा क्लियर है अब देखिए इस पृष्ठभूमि में सिलेबस हो गया और इसके पश्चात ये प्रश्न का पैटर्न हो गया याद रखिएगा और एक प्रश्न था वो प्रश्न यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों मिसिंग हो गया है जो आप 2018 पीसीएस में प्रश्न पूछा था वो प्रश्न क्या था मैं एक बार आपको यहां पर मेंशन करता हूं तो प्रश्न था बौद्ध साहित्य यानी क्वेश्चन पूछा था यूपी पीसीएस में बौद्ध साहित्य क्या पूछा था बौद्ध साहित्य की विश्व शांति स्थापना में भूमिका की विश्व शांति स्थापना बौद्ध साहित्य की विश्व शांति स्थापना में भूमिका तो ये आपसे पूछा था तो यानी देख सकते हैं ये प्रश्न तो ये देखिए बौद्ध साहित्य इसका मतलब क्या हुआ भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप साहित्य तो देखिए साहित्य को उठा करके पकड़ लिया यानी साहित्य यानी बौद्ध साहित्य की विश्व शांति स्थापना में याद रखिएगा बौद्ध धर्म नहीं बौद्ध साहित्य पूछा है यानी जो महात्मा बुद्ध की विशेषताएं हैं जो बौद्ध साहित्य है जैसे क्या क्या है जैसे पिटक है विनय पिटक है अभिधम पिटक है ये है फिर इनके ढेर सारे निकाय हैं जैसे अंगुत्तर निकाय और ये सब फिर जातक कथाएं हैं ये है बौद्ध साहित्य जो पाली भाषा में संस्कृत भाषा में और मिले हुए कुछ प्राकृत में भी हैं तो इसमें जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य की विश्व शांति स्थापना में क्या भूमिका है तो पहले आपको बताना है बौद्ध साहित्य और फिर उसके बाद बताना है इन बौद्ध साहित्य में क्या लिखा गया है और फिर आपको बताना है कि ये जो लिखा गया है इसकी शांति स्थापना में भूमिका किस प्रकार से है? तो आप देख सकते हैं तो यूपी पी मेन्स पेपर टू जीरो वन एट में एकदम यानी कि यूपी कमीशन ने भी ये प्रूव किया कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो इसका मतलब अगर सिलेबस की यूनिट आपको क्लियर है तो आप बेहतर ढंग से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं अनर्गल प्रश्नों पर जाने की बजाय याद रखिएगा अनर्गल प्रश्नों पर जाने की बजाय आप यहां जो जो लिखा है फॉर एग्जाम्पल अगर इस बार आप मेन्स दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए यानी साफ साफ कला के रूप यानी अगर आपको यहां से आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो कला के रूप में पहले निकाल लीजिए यानी वास्तुकला फिर इसके बाद वास्तुकला और इसी के साथ स्थापत्य कला भी है याद रखिएगा स्थापत्य कला फिर इसके बाद आपका मूर्ति कला फिर इसके बाद आपका चित्रकला मूर्ति कला फिर इसके बाद आपका चित्रकला तो आप फिर इसके बाद आपका तो आप फिर क्या है संगीत और जो कुछ भी लेकिन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है याद रखे क्या वास्तुकला तो वास्तुकला के जितने भी हैं चाहे सैंधो सभ्यता का नगरीकरण हो चाहे मौर्यों का राज प्रसाद हो और यहां से आगे चाहे सल्तनत काल की वास्तु स्थापत्य हो मुगलों की वास्तु स्थापत्य हो या अंग्रेजों के काल में फ्रेंच और जो है जो अंग्रेजी स्थापत्य कला हो जिसे इंडो सार्सेनियन शैली कहते हैं अगर इन सब पर आप पहले से केवल 10-10 पॉइंट की प्रैक्टिस कर ले याद रखिएगा हर एक काल में जो वास्तु स्थापत्य की विशेषता उस पर 10-10 पॉइंट केवल बना ले बार बार उसी को रटे यूपीएससी और पर आधारित जो ये यूपी का सिलेबस है याद रखिएगा उससे इतर कुछ पूछेगा ही नहीं प्रश्न की लैंग्वेज चेंज होंगी पर कंटेंट वही लगेगा तो ये सब आपको अभी जिनका भी एग्जाम है और चूंकि इतनी जल्दी आ गया है यूपी कमीशन कभी कभी बेरहम हो जाता है तो इतनी जल्दी अभी एक महीने में बच्चे कैसे तैयारी करें पूरे मुख्य परीक्षा की विद ऑप्शनल एक समस्या हो जाती है तो ऐसी पृष्ठभूमि में आपको यही करना चाहिए क्या करना चाहिए कि आपको बाई बाईफरगेट तुरंत निकाल लीजिए पांच पांच आप आप बहुत अधिक के चक्कर में और पांच पांच सात सात पॉइंट सभी के निकाल के रटना स्टार्ट कर दीजिए और अगर वो पांच पांच पॉइंट आपने याद कर लिया पूरे यूनिट का केवल चार से पांच पॉइंट केवल चार से पांच पॉइंट और फिर उसके बाद मैं आंसर राइटिंग का एक आर्ट अभी आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करता हूं यानी आंसर राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए और दो मॉडल आंसर आगे हैं कि आंसर राइटिंग लिखनी कैसे चाहिए तो इससे क्या होगा आपको एक जबरदस्त रूप से कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सही पटरी पर आ गए और एक महीने के अंदर आप अपनी पूरी तैयारी आंसर राइटिंग की कर सकते हैं तो ये हो गया आइए चले सिलेबस और ये क्वेश्चन हो गया हमने देखा अब उससे मतलब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे चले यानी कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर यानी आंसर एक मॉडल आंसर की तरफ बढ़े उससे पहले आपको यह जानना आवश्यक है क्योंकि देखिए जब लिखने का एग्जाम है अभी तक यूपी में यह पैटर्न रहा नहीं है यानी दशकों से वो टिक मार्का वाला था तो ऐसे में अगर आपकी आपकी प्रैक्टिस छूट गई है किसी की भी अगर आपकी प्रैक्टिस है नहीं आंसर राइटिंग की तो कहीं ना कहीं एक समस्या का अनुभव आप करते हैं तो वैसी पृष्ठभूमि में उस समस्या से कैसे निकला जाए आइए सीखते हैं बहुत आसान है आप सीख जाएंगे तो एक अच्छे उत्तर लेखन के गुण क्या है एक अच्छे उत्तर लेखन के गुण आपके सामने एक अच्छे उत्तर लेखन के गुण क्या क्या हो सकते हैं अब आप देखिए एक अच्छे उत्तर लेखन की जो पहली विशेषता होती है तो जो पहली पिक्चर है वो क्या है कि पूछे गए प्रश्न देखिएगा मैं पूछे गए प्रश्न यानी नंबर वन क्या विशेषता है पूछे गए प्रश्न के स्पष्टीकरण से पूछे गए प्रश्न के स्पष्टीकरण से उत्तर लेखन का प्रारंभ से उत्तर लेखन का प्रारंभ करना है से उत्तर लेखन का प्रारंभ तो पूछा गया प्रश्न यानी कोई भी प्रश्न जैसे मान लीजिए पूछा था बौद्ध साहित्य की विश्व शांति स्थापना में भूमिका तो जो पूरी प्रश्न की भाषा है यानी यानी बौद्ध बौद्ध साहित्य साहित्य का तुरंत यानि करना के अंतर्गत ये, ये आते हैं इस भाषा में लिखे गए हैं और इसके अंतर्गत बुद्ध की निम्नलिखित शिक्षाएं हैं डायरेक्ट बताते हो यानी कि सीधा प्रश्न यानी कोई भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है यानी पूछे गए प्रश्न के स्पष्टीकरण से उत्तर लेकर यानी कि उन बौद्ध साहित्य में उनकी निम्नलिखित शिक्षाएं हैं तुरंत पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा शिक्षा बता दिया और तुरंत बताया पहली शिक्षा की शांति स्थापना में दूसरी शिक्षा की शांति स्थापना में तीसरी शिक्षा की शांति स्थापना में चौथी जो भी आपको और तीन से चार पॉइंट अब आप लोग विचार करिए क्या तीन से ज्यादा पॉइंट एक शब्द में लिख पाएंगे और यह प्रश्न यूपीपीसी में सेक्शन ए में आया था तो इसका मतलब केवल तीन ही पॉइंट तो आपको करना है ना करना है कि नहीं करना ओनली थ्री पॉइंट याद रखिएगा तो स्वाभाविक है इस हिसाब से आपको चलने की आवश्यकता है तो पूछे गए प्रश्न के स्पष्टीकरण से उत्तर लेखन को प्रारंभ करना है और फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या करना है यानी आपने स्टार्ट किया फिर दूसरा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जैसे बौद्ध साहित्य पूछा तो आपको क्या करना है जैसे मैंने बोला ना निम्नलिखित तो आपको बच्चों दूसरे पार्ट में क्या करना फ्लो चार्ट बनाना है. क्या बनाना है आपको फ्लो चार्ट बना देना है क्योंकि फ्लो चार्ट में अगर आप आंसर लिखते हैं तो ये आई की जो तैयारी करते हो जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं जो टॉप कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं और तो जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं आप देखोगे वो शायद आंसर में पैराग्राफ्स लिखते ही नहीं है वो फ्लो चार्ट में पूरा आंसर ही लिख देते हैं इससे क्या होता है कम शब्दों में जाता बातें आप कहते हैं और फ्लो चार्ट कन्विंसिंग भी होता है अब आपके मन में आएगा कि ये सर फ्लो चार्ट क्या है तो अभी मैं मॉडल आंसर में आपको सिखाने वाला हूं यानी फ्लो चार्ट और फिर तीसरी चीज क्या होती है यानी कि जब आप हिस्ट्री लिख रहे हैं या आप सोसाइटी भी लिख रहे हैं आप ज्योग्राफी लिख रहे हैं तो आप मैपिंग का जबरदस्त इस्तेमाल करें यानी इंडिया का मैप याद रखिएगा अगर मिट्टी के बारे में पूछा मिट्टियों के बारे में तो इंडिया का मैप खींच करके और मिट्टी की कहां कहां किस प्रकार की मिट्टी है जलोड़ और ये सब आप फटाफट फटाफट फट, फट, शो कर दीजिए बौद्ध साहित्य पूछ रहा है तो आपको बौद्ध साहित्य कहां रचे गए जैसे पिछले प्रश्न में बौद्ध साहित्य वाले में विश्व शांति स्थापना में भूमिका तो बौद्ध साहित्य कहां रचे गए की चार संगीतियां उन चारों संगीतियों को आप कोड कर दिए चूंकि मैक्सिमम साहित्य वहीं से निकल करके आया है तो यह होता है यानी मैप बनाने की कला वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा जैसे भी मैंने कहा बौद्ध साहित्य में फ्लो चार्ट अगर बनाना होता तो आप क्या बनाते कि बौद्ध साहित्य परिचय देने के बाद आप लिखते उसमें बुद्ध की निम्नलिखित शिक्षाएं वर्णित हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रतीत समुत्पाद के बारे में वो सारी बातें तो उसको आप फ्लो चार्ट में बताते और फिर मैप इंडिया का बना करके चारों बौद्ध संगीतियां याद रखेगा उनको आप शो कर देते तो इससे क्या होता है आपका आंसर बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना लॉजिकल और प्लस यानी कॉन्सेप्ट भी है आपके पास और प्रेजेंटेशन भी है तो एक अच्छे आंसर राइटिंग में दो चीजें अपने जेहन में डाल लीजिए कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन ये दो चीज अनिवार्य है अवधारणा होनी चाहिए और आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा तो दूसरा क्या हो गया फ्लो चार्ट और तीसरा मैपिंग यहां से आप ध्यान रखिएगा और फिर क्या है इसके बाद अगली चीज क्या है तीसरी यहां से आप देख सकते हैं इसके बाद जो भी पॉइंट आप उठाते हैं यानी कि आपने कुछ भी उठाया तो तीसरी जो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि जो भी पॉइंट उठाए यानी कि आप एनालिसिस के लिए जो भी पॉइंट उठाएं तो उसको एग्जाम्पल एग्जाम्पल विध एग्जाम्पल विध उदाहरण आप उसे प्रूफ करते चले क्या करते चले आप उसे प्रूफ करते चले याद रखिएगा प्रूफ करते चले इससे क्या होता है कि आपका आंसर प्रमाणिक हो जाता है दो तीन बातें हैं ये जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी ये मैंने बताई बाकी आंसर राइटिंग के माध्यम से हम लोग इसमें चलेंगे बताने के इसमें हजार बातें हैं आप ये कर लो वो कर लो ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है यानी कि सबसे पहला अब आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं सब सबसे पहला पॉइंट क्या है तो सबसे प, पहला पॉइंट है वो क्या है कि आप प्रश्न को स्पष्ट करती हुई यानी प्रश्न है उसको स्पष्ट करता हुआ पहला पैराग्राफ स्टार्ट कर यानी पहले पॉइंट से ही आप प्रश्न को क्लियर कर दे परीक्षक को बता दें कि हाँ मुझे प्रश्न समझ में आ गया देन उसके बाद तुरंत फ्लो चार्ट में अपनी कोई बात आप जो उस प्रश्न का मूल है उसे फ्लो फ्लो चार्ट चार्ट में बताएं फिर उसके बाद फ्लो चार्ट को आप एनालिसिस करना शुरू करें जो पॉइंट आपने उठाया है एक पॉइंट दें उसके बाद पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखें पैराग्राफ फॉर्मेट में ना लिखें एक पॉइंट दें एग्जांपल दें पॉइंट दें एग्जांपल दें पॉइंट दें एग्जांपल दें इस प्रकार से आप चीजों को आगे बढ़ाते हुए चले जाएं याद रखिएगा ये हो गया पूरा का पूरा आपका और बीच में जहां भी आपको मौका मिले आप मानचित्र बना दें याद रखिएगा और मानचित्र कहां बनाए तो जैसे ये कॉपी का स्ट्रक्चर होता है ना ये कॉपी और यहां लिखा होता है यहां कुछ ना लिखें क्या लिखा होता है यहां कुछ ना लिखें और इधर भी होता है यहां कुछ ना लिखें क्या यह होता है यहां कुछ ना लिखें ये दो चीजें होती हैं यहां कुछ ना लिखें यहां कुछ ना लिखें तो ये जो पूरा का पूरा बीच का पार्ट होता है याद रखेगा ये क्या है यानी पूरा का पूरा तो अब आप यहां पर मैप हमेशा बनाएंगे कॉर्नर में ये मैप का स्थल होता है बीच में कभी मत बनाइएगा क्योंकि इधर लिखेंगे इधर लिखेंगे आंसर बड़ा गंदा लगेगा तो आप क्या करेंगे मैपिंग इस प्रकार से बना लेंगे एक बार आप अपना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे बेहतर ढंग से आप चीजों को समझ सकें याद रखेगा चलिए आगे चलते हैं यहां से अब लेट्स मॉडल आंसर यूपीएससी यानी यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं लेट्स सी मॉडल आंसर यूपीएससी यानी कि यूपीएससी में क्या है कि कुछ मॉडल आंसर्स मतलब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जिससे ये चीज और अच्छे से आपको समझ में आए जैसे मान लीजिए यूपीएससी ने पूछा यूपीएससी ने पूछा चूंकि अभी आप यूपीपीसीएस में एक ही साल हुआ है और एक ही प्रश्न इस यूनिट से है बौद्ध साहित्य तो उसको हम लोग कल करेंगे तो अब यूपीएससी के प्रश्नों से ही मुझे प्रैक्टिस करानी पड़ेगी पहला प्रश्न है सैंधो नगरीकरण की विशिष्टता यवम या किस प्रकार वर्तमान नगरीकरण को निवेश प्रदान करता है यानी अब आप देखें सैंधो नगरीकरण की विशेषता बताइए और यह बताइए कि वर्तमान नगरीकरण को या कैसे निवेश प्रदान करता है इसका मतलब है कि वर्तमान नगरीकरण जो आज हम कहते हैं ना शहरों का मास्टर प्लान शहरों की स्मार्ट सिटी जो हम ये कहते हैं तो ये जो स्मार्ट प्लान है जो मास्टर सिटी है ये सेंधो सभ्यता में क्या इसके लिए कुछ बेस था यानी क्या हम सेंधो सभ्यता के नगरीकरण की विशेषताओं को वर्तमान नगरीकरण में ढूंढ सकते हैं इस प्रश्न का मूल भाव यह है यह पॉइंट आपको याद रखना है तो देखिए यहां पर मैंने क्या कहा एक आंसर राइटिंग में इंट्रो कैसा होना चाहिए फ्लोचार्ट कैसा होना चाहिए इंट्रो कैसा होना चाहिए फ्लो चार्ट कैसे होना चाहिए मैप कैसे बनना चाहिए तो सारी चीजें यहां आपको दिखाई पड़ेंगी तो देख सकते हैं सेंधो नगरीकरण की विशिष्टता एवं या किस प्रकार वर्तमान नगरीकरण को निवेश तो देखिए सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में बता दिया गया सेंधो सभ्यता तेईस सौ ये केवल समझाने के लिए आप इसको स्किप कर दीजिएगा मेरे पास क्योंकि मैं सिखाने आया हूं तो मैं अगर एकदम से संक्षेप ये आप स्किप कर सकते हैं ये केवल आपको समझाने के लिए आप लिख भी सकते हैं स्किप भी कर सकते हैं मैं बताता हूं कैसे लिख सकते हैं और कैसे इसकी सैनो सभ्यता अपने उत्कर्ष काल तेईस से सत्रह सो, सो पूर्व के मध्य नगरीकरण की विशिष्ट विशेषता प्रदर्शित करती है क्या करती है नगरीकरण की विशिष्ट विशेषता प्रदर्शित करती है देखिए डायरेक्ट आ गया नगरीकरण की विशिष्ट विशेषता और आपने समय बता दिया यह काल कार्बन तिथियों के आधार पर यह माना जाता है क्या माना जाता है कि यह सैंधो सभ्यता सब का सबसे मजबूत यानी परिपक्व काल था और अब देखिए यहां पर क्या है प्रमुख उत्खनित नगर अब देखिए स्टार्ट हुआ यहां से हड़प्पा है मोहन जोदड़ो है चनुदड़ो है लोथल है कालीबंगा है बनावाली है तथा धोलाबीरा याद रखिएगा ये सभी नगर सैंधो नगर नियोजन तथा भवन विन्यास की जानकारी प्रदान करते हैं तो यानी इनके आधार पर आपने देखिए पहले क्या लिखा प्रश्न के साथ कनेक्ट किया और फिर अब इसके बाद आपने क्या लिखा नगरों के नाम लिखे यानी आपने प्रमाण दिया क्या दिया कि मैं जो बात कहने जा रहा हूं या मैं जो बात कहने जा रही हूं उसके पीछे कोई ना कोई बेस है और इधर आपने देखिए मानचित्र बना दिया यहां पर यानी कॉपी के इस पार्ट में मानचित्र आपका आ गया आप इस प्रकार से और अब आपको इंडिया का मैप बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर भी अगर नहीं आता है तो आप सिंपल है ईस्ट बेस्ट यानी ईस्ट बेस्ट और नॉर्थ और साउथ की संकल्पना के साथ चल सकते हैं क्या है ईस्ट बेस्ट नॉर्थ और साउथ क्लियर है आप बता सकते हैं ईस्ट में कहां तक था तो आलमगीरपुर वेस्ट में कहां तक था तो सु गेंडोर ठीक है और उत्तर में कहां पर था नॉर्थ में जम्मू का मांडा दक्षिण में दैमाबाद भगतराव कुछ भी आप महाराष्ट्र का दहमाबाद या गुजरात का किसी किसी बुक में मिलता है भगत तो आप इस प्रकार से से मैप बना करके और अपनी बातों को यानि पहले ही पैराग्राफ क्या, क्या आ गया फ्लो चार्ट आ गया, गया। सैंधो सभ्यता की उत्कृष्ट नगर यो, योजना क्या कह रहा है कि वर्तमान नगरीकरण को कैसे निवेश तो इसका मतलब आपको पहले यह बताना होगा कि मतलब सैंदो सभ्यता का नगरीकरण कैसे था याद रखेगा और फिर उसके बाद आप बता देंगे तो देखिए उत्कृष्ट जल निकासी यानी नगर योजना की क्या क्या विशेषताएं थी इसको बोलते हैं सॉरी इसको क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट नगर का सामान्य तौर पर दुर्ग या गढ़ और निचले नगर में विभाजन आप सबको पता है दुर्ग यानी पश्चिम ठीक है नगर यानी पूर्व निचला नगर नगर निर्माण में जो संसाधन एवं टेक्नोलॉजी अपनाई गई तकनीकी अत्यंत उन्नत जैसे पकी हुई ईंटें प्रस्तर कच्ची ईंटें और इंग्लिश बॉन्ड तकनीक के आधार पर इन्हें बनाया गया तो दूसरा पॉइंट हो गया फ्लोचार्ट का तीसरा भवन के स्वरूप उपयोगितावादी मूल्यों पर विभाजित थे यानी नागरिकों के सुखों का विशेष ध्यान रखा गया इसका प्रमाण है बृहदस्मानागार निजी आवास तथा छोटी इकाइयों से घिरे पुरोहितों के आवास होते थे जैसे याद रखिएगा बृहद स्नानगार अन्नाघार एवं सभा भवन और फिर क्या है नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ये एक उत्कृष्ट नगर नियोजन है फिर अगला क्या है जल निकासी व्यवस्था उत्कृष्ट थी फिर याद रखिएगा और यह जल निकासी व्यवस्था सैंध्य सभ्यता की अद्भुत विशेषता थी जो किसी समकालीन नगर में प्राप्त नहीं होती है अगला पॉइंट क्या है नालियों का प्रबंधन इतना विशिष्ट था कि आधुनिक युग की भांति वहां पर मतलब जो भी इतिहासकार वो कहते हैं कि म्यूनिस्पल कारपोरेशन रहा होगा इतना बढ़िया था नालियों का प्रबंधन फिर स्वच्छता के स्तर पर अठारहवीं सदी के पूर्व लंदन एवं पेरिस जैसे नगरों से भी यह विशिष्ट था तो सैन्य सभ्यता की उत्कृष्ट नगर योजना यह याद रखिएगा अब आप देखें आपने दोनों में बता दिया कि इसकी विशेषताएं क्या विशेषताओं के आधार पर हम यह बता पाएंगे कि निवेश प्रदान करता है निवेश का मतलब यहां की विशेषताएं मतलब हम प्रेरित होते निवेश का मतलब कि वर्तमान जो स्मार्ट सिटी या जो भी मास्टर प्लान होता है जो बनाते हैं वह कहीं कहीं सैन्य सभ्यता से इंस्पायर होते हैं यह है इस प्रश्न का मूल भाव है फिर देखिए फिर अगला उपयुक्त तो सभी विशेषताएं सिंधु सभ्यता के नगरीकरण को समकालीन विश्व तथा की सभ्यता से तो विशिष्ट बनाती ही है साथ ही उसे नगरीकरण के प्रेरक के रूप में स्थापित कर दी दे। देखिए अब प्रश्न के अंतिम पार्ट से कनेक्ट हो गया प्रेरक के रूप में स्थापित करती है ली कर्बूशियर ब्रिटिश स्थापत्य विद ने चंडीगढ़ नगर योजना में निसंदेह इससे प्रेरणा ली होगी देखिएगा याद रखिएगा क्या कहा गया है कि ली करबूशियर ने इससे प्रेरणा ली होगी इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि यहां पर प्रश्न में मैंने एक चीज आपके लिए ये बना दी है कि हम भारत के सभी जो नगर हैं वर्तमान में याद रखिएगा उनसे उनकी कंपेयर ही सैंदो सभ्यता से नहीं कर सकते यानी चंडीगढ़ भारत की सबसे खूबसूरत प्लांड सिटी है क्या है प्लांड सिटी तो यानी एकमात्र ऐसा शहर जो सेंधो सभ्यता के जैसा या उसकी बराबरी का है तो हमने उदाहरण के द्वारा उसको भी पुष्ट किया यानी हमने या आपने अपने आंसर में क्या दिखाया कि यानी कि यानी परीक्षक को यह भी बताया कि सेंधो सभ्यता का नगरीकरण वर्तमान नगरीकरण का आधार बन सकता है अन्य सभी नगर सेंधो सभ्यता के जैसे विशिष्ट प्लांट नहीं है भारत में शहरीकरण अन है केवल चंडीगढ़ ऐसा है जिसकी कंपेयर हम सेंधो सभ्यता से कर सकते हैं और स्वाभाविक है सेंधु सभ्यता के नगरीकरण ने स्थापत्यविद ली कर्बूशियर को क्या दिया है यानी प्रेरणा प्रदान करने के लिए अवसर प्र, प्र, प्रदान किया अन्य नगर भी जो थोड़े बहुत रूपांतरणों के साथ इससे मोटिवेट हुए होंगे वर्तमान सरकार के स्मार्ट सिटी मास्टर प्लान एवं स्वच्छता अभियान कार्यक्रमों को इसका अलग चरण या इसका अगला चरण मान सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह होगा इस प्रश्न का फॉर्मेट और इसी हिसाब से आपको प्रश्नों को देखने की आवश्यकता है दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पन नगरों में जल प्रबंधन तथा उसकी संरक्षण योजना पर प्रकाश डालिए अब ये पीसीएस के लिए मॉडल आंसर है ये आई में नहीं आया यूपी पीसीएस दो मेंस में यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप ये मॉडल आंसर है मॉडल क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन आंसर याद रखिएगा तो देखिए मैप की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या अगर एक बार मैप आपको बनाना आ गया वही मैप सेंधो सभ्यता के हर क्वेश्चन में जाकर के लगेगा तो जैसे पूछा गया हड़प्पा नगरों में जल प्रबंधन तथा उसकी संरक्षण योजना पर प्रकाश अब देखिए इसका भी सेम इंट्रो आपको एग्जाम में इंट्रो नहीं लिखना मैंने केवल सिखाने के लिए याद रखिएगा सेंधो सभ्यता की विशिष्ट विशेषता थी जल निकासी एवं स्वच्छता अब देखिए क्या थी जल निकासी स्वच्छता और लिखना किस पे है जल प्रबंधन तथा उसकी संरक्षण योजना मैंने आंसर राइटिंग के गुण में क्या बताया था यानी कि इसमें भूमिका की आवश्यकता नहीं होती डायरेक्ट आपको एक्शन करना होता है यानी डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है प्रश्न में जो भी पूछा गया डायरेक्ट आप उसका आंसर लिखने लग जाते हैं तो ये हो गया सैंधो सभ्यता की विशिष्ट बिसेस्त, विशेषता थी हड़प्पन नगरों में जल प्रबंधन तथा उसकी संरक्षण योजना क्या है हड़प्पन नगरों में जल प्रबंधन अब देखिए ये क्या आ गया? फ्लो चार्ट आ गया गया आया कि नहीं आया इसी को बोलते हैं फ्लो चार्ट याद रखिएगा तो बृहद स्नानागार से जल निकासी एवं जल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए जिप्सम तथा बिटुमिनस तकनीक का प्रयोग किया गया बृहद स्नानागार एवं अन्य आवासीय स्थलों पर ईंटों की दोहरी पंक्ति से बने हुए गहरे कुएं थे यानी जल प्रबंधन को आपने सबसे पहले स्वाभाविक है बृहद स्नानागार से दिखाना प्रारंभ किया क्योंकि वह सबसे बड़ी इमारत जहां पर जल प्रबंधन सबसे विशिष्ट रूप में देखा जा सकता है इसीलिए आपने उसको भी आंसर में डालना शुरू किया सबसे पहले अधिकांश भवनों में अब देखिए इसके अलावा यानी बृहद स्नानागार के बाद जो अन्य भवन थे उनमें निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे क्या होते थे यानी कि भवनों में निजी कुएं स्नानागार अब अगर भवनों में है निजी कुएं और स्नानागार तो स्वाभाविक है भवनों में लोग रहते भी थे तो जल निकासी तो विशिष्ट रही होगी नगर में नालियों की सुंदर व्यवस्था थी आज आप देखिए भारत के अधिकांश शहरों में जल प्रबंधन नहीं है नाले बजाते हुए दिखाई पड़ते हैं याद रखिए तो क्या है नगर में नालियों की सुंदर व्यवस्था थी प्रत्येक सड़क तथा गली के दोनों और पक्की नालियां बनाई गई थी देखिएगा पक्की नालियां आज भी पक्की नालियों की कमी है जिनसे होकर नगर का गंदा पानी निकल जाता था यह हो गया ठीक है ना फिर अगला क्या था उसी पार्ट किसी किसी स्थान पर बड़ी नालियों के देखिए कोई भी कोई भी पार्ट मैंने पैराग्राफ में लिखने की कोशिश नहीं है सब फ्लो चार्ट में तो सारे आंसर आपको अंत तक जितना भी मैं कराऊंगा अब तो लगातार ही चलेगा ये सारे फ्लो चार्ट आप अगर स्क्रीन शॉट लेकर के अपने पास रख लेंगे तो आपके पास बहुत कंटेंट हो जाएगा किसी किसी स्थान पर बड़ी नालियों के बीच में गड्ढे बनाए जाते थे जिनमें नाली का कूड़ा करकट जमा होते कितना साइंटिफिक था बड़ी बड़ी नालियों के बीच में गड्ढे यानी पानी का प्रवाह हो रहा है जो हैवी कचरा है जैसे आज हम ब्लू येलो ग्रीन इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के बॉक्सेस रखते हैं कचड़े के लिए यह उस समय नालियों में व्यवस्था कर दी जाती थी बड़ी नालियों को पत्थर की पाटिकाओं से ढक दिया जाता था यानी बड़ी नालियां पत्थर की पाटिकाओं से जिससे आसपास के रहने वाले लोगों नाली की गंदगी की उन्हें जो है जो सुगंध होती है जो स्मेल होती है उससे उनका मुकाबला ना हो मैं मुखर्जी नगर में रहता हूं अगर आप लोग भी कभी मुखर्जी नगर आने का सौभाग्य मिला हो तो जहां पर यह हम लोगों का पूरा कोचिंग का हब है तो जब आप नेहरू बिहार की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं एक नाला है भयानक सोचिए दिल्ली शहर की बात बता रहा हो हड़प्पा सभ्यता में बड़ी नालियों को पत्थर से ढका जाता था इसे आप नाली नहीं नाला कह सकते हैं पूरा ओपन है और ऐसा माहौल मारता है अगर आपके कोई दोस्त रहते हो कभी पूछेगा यानी आप सोचिए दिल्ली ऐसे शहर में आज भी नालियों नालों का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है जिसके कारण से पता नहीं कब से सदियों से स्थानीय नागरिकों को याद रखेगा उनकी सुगंध दुर्गंध का सामना करना पड़ता है लेकिन और मच्छरों का सामना करना पड़ता है लेकिन ना वो कभी इलेक्शन के इशूज होते हैं और ना वो कभी प्रशासन की निगाह में आते हैं और यह विषय सेंधो सभ्यता में प्रशासन की निगाह में था इसीलिए कहा जाता है कि सेंध सभ्यता का प्रशासन यानी म्युनिसिपल कारपोरेशन वहां कोई न कोई रहा होगा जो बेहतर ढंग से जल प्रबंधन की स्कीमों को आगे लेकर के चलता था तो ये हो गया मकान के कमरों रसोई स्नान गृह शौचालय आदि सभी से निकालकर नालियों को एक बड़ी नाली में जोड़ दिया जाता था जगह जगह पर मैन होल बने थे इन्हें बड़ी बड़ी ईंटों से ढका जाता था तथा आवश्यकता अनुसार इन्हें हटाकर नाली की सफाई की जाती थी तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का मैनेजमेंट था और आंसर में आपको किस प्रकार से लिखना फिर इसके बाद देखिए फ्लो चार्ट का तरीका यहां चेंज कर दिया गया यानी फ्लो चार्ट का तरीका चेंज यानी एक बार आपने क्या बता दिया विशेषता में एक फ्लो चार्ट और यहां पर फिर सेकेंड टाइप ऑफ फ्लो चार्ट क्या हो गया सेकेंड टाइप ऑफ आपका फ्लो चार्ट हो गया याद रखेगा सेकेंड टाइप ऑफ फ्लो चार्ट क्या है नालियों एवं जल निकासी की यह अद्भुत विशेषता समकालीन अन्य किसी नगर में नहीं दिखाई देती है रोम निवासियों के काल तक यह अप्रतिम बनी रही अठारहवीं सदी के पूर्व लंदन तथा पेरिस जैसे नगरों की सफाई व्यवस्था से यह या व्यवस्था यानी सोच सकते लंदन और पेरिस से भी इतिहासकारों ने कहा यह उत्तम थी बृहद स्नानागार धार्मिक कार्यों तथा तो शरीर के संस्कार के लिए स्वच्छता के आदर्श जो आज भारत सरकार का स्वच्छता अभियान है तो स्वच्छता के आदर्श को बृहद स्नानागार सामने रखता है तो इस प्रकार से आप आंसर की प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे डेली हम लोग चलेंगे और आप लोग लगातार बने रहें ठीक है और अब हम लोग कल सुबह एथिक्स में मिलेंगे एथिक्स में कल हम पार्ट टू जो हम लोगों ने आज किया उसका पार्ट टू करेंगे और मिलते हैं बच्चों जो भी चीजें पढ़नी है आप लोगों को जिस हिसाब से पढ़नी है वो सारी चीजें क्लियर है और ये जो फोन नंबर है आप इस पर कनेक्ट हो जाएगा तो जो भी बच्चे हैं विनय झा टेलीग्राम लिंक ठीक है बेटा श्वेता ठीक है टेलीग्राम का लिंक ओके ओके सभी बच्चे शोरूपा रेखा रिंकी कोई बात नहीं मिलेगा पीडीएफ भी मिलेगा बेटा कुछ कुछ पीडीएफ मिलेंगे अश्वनी शर्मा यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स कहां से करें ठीक है बताऊंगा मैं ये ठीक है रोशन लाल यूपीपीसीएस में सेलेक्ट होके मुझसे जरूर मिलेगी बहुत अच्छी बात है एकांत एक शर्मा गुड इवनिंग बच्चा ठीक है तो चलो अच्छा है राघवेंद्र प्रताप सिंह आपका यूपीपीएससी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बहुत जरूरत थी अब तो रैंक लगा ही लेंगे क्या बात है बेटे बहुत बढ़िया और सभी बच्चों को रोमा सतीश मैंने सबका नाम और ले लिया है तो ठीक है बच्चों लगे रहिए देखिए शुरुआत हमेशा शून्यता से होती है क्या होती है शुरुआत हमेशा शून्यता से होती है एक समय हर इंसान जीरो होता है हर इंसान जीरो होता है ये लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम उन बच्चों के लिए है जिनके स्वप्न याद रखेगा जिनके स्वप्न के केंद्र में जिनके एक निश्चित टारगेट है कि हमें यूपी करना है यानी हमें यूपी चाहिए हमें अन्य एग्जामों से मतलब नहीं यानी यूपी पीसीएस चाहिए तो आप याद रखिएगा शून्य से शुरुआत होती है हम लोग भी शून्य पे हैं शुरुआत कर रहे हैं और आप ट्रस्ट करो बच्चों ना समर्पण में कमी होगी ना मेहनत में कमी होगी और ना ही इनोवेशन में कमी होगी हंड्रेड परसेंट जो भी है ज्ञान वो सारा आपके सामने उड़ेल दिया जाएगा अब आपकी इच्छा है वहां से कितना आप उठा सकते हैं तो चलिए चलते हैं सब बातों के साथ आप इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं चाहे एडमिशन लेना हो या कोई भी इंक्वायरी हो आपकी यूपीपीसीएस के रिकॉर्डिंग याद रखिएगा लेकिन ठीक है तो ये आपका यहां पे है टेलीग्राम लिंक बेटा कमेंट बॉक्स के नीचे होता है अगर नहीं होगा तो आज मैं करा देता हूं आज इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा और कल से यहां पर लिंक भी शो करेगा मिलते हैं बच्चों छोटे से ब्रेक के बाद तब तक के लिए आप याद रखिए मेहनत करिए अपने सपनों को खोजिए याद रखिएगा क्या करिए अपने सपनों को खोजिए क्योंकि सपने खोजने से मिलते हैं कॉन्फिडेंस से तैयारी से सपने कभी नहीं मिलते हैं जब आप सपनों को सर्च करेंगे और सर्च करने का मतलब समझते हैं जब आप सपनों को खोजेंगे तो आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा क्योंकि सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होते हैं वो कुछ विशेष लोग होते हैं विश्व की जितनी बड़ी हस्तियारें उन्हों, उन्होंने अपने सपनों को खोजा है तो आप भी खोजिए धीरे धीरे खोजना स्टार्ट करिए आपके उस सपनों की खोज में आपके सहभागी के रूप में मैं सुनील अभिव्यक्ति आप सबके समक्ष पूरी प्रतिबद्धता और सब प्रतिशत ईमानदारी के साथ उपस्थित रहूंगा और आपको विश्वास कराता हूं कि जो भी रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं अर्बन बैकग्राउंड के हैं सब अर्बन के हैं जिनके स्वप्न केवल यूपीपीसीएस में सेलेक्ट होने का है तो आपके सपनों में एक बड़ी भूमिका मैं अदा करूंगा इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं आप सबको ढेरों आशीर्वाद स्वस्थ रहें मस्त रहें और लगातार मेहनत करते रहें और अपने सपनों को खोजते रहें मिलते हैं कल एक नए सेशन में सुबह ग्यारह बजे सुबह ग्यारह बजे किस में तो एथिक्स में तो 2019 जो लोग मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं याद रखेगा ये पूरा का पूरा प्रयास आपके लिए है और दो चार दो चार ज्यादा मैंने पहले कहा कि दो चार दो चार क्वेश्चन करा करके सारा चारों पेपर कंप्लीट करा दूंगा इससे अधिक तो संभव नहीं है क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है तो कम से कम अच्छा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी मिलते हैं बच्चों आप सबको बहुत आशीर्वाद गॉड ब्लेस एवरीवन